करते हुए प्रभु कि हम कुछ नहीं है प्रभु, बट यू आर एवरीथिंग लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस फोरम के लिए प्रभु, उपवास और प्रार्थना के लिए। खुदावन हमारी प्रार्थनाओं की ओर, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कान लगाए, ना ही उनके जवाब दे सकता है, क्योंकि तमाम देवी देवता मरे हुए हैं, डेड हैं, उनका वजूद ही नहीं है। लेकिन आप ही एक वाहिद खुदा हैं, संकट में पड़े हुए युवक की जो प्रार्थना होती है प्रभु, वही प्रार्थनाएं आज हम आपके पास लेकर आए हैं खुदावन। हमारी दुआएं जब कभी कभार नहीं सुनी जाती, तब हमारे शरीर में बल नहीं रहता खुदावन, हमारा जो चमड़ा है वो हड्डियों के साथ चिपक जाता है खुदावन। But that's the time, Lord. आपके नबी ने कहा, Be certain of God. खुदा के प्रति आश्वस्त रहिए। There is a God. एक खुदा है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। तिशबी एलिया के खुदा, आज हम आपके पास आए हैं बिकॉज हमें मालूम है आप हैं, और यह गवाहों का बादल जो हमें घेरे रहता है यह बताता है आप जिंदा हैं। वी आर नथिंग लॉर्ड, वी आर ट्रूली नथिंग लॉर्ड। जब आप आते हैं, आपके नबी ने कहा द फर्स्ट थिंग जो खुदा देता है, वो सबसे पहले जब खुदा विजिट करता है किसी मनुष्य या मनुष्य पुत्र व पुत्रियों के पास, वो उनके मुंह पे मुस्कुराहट लेकर आता है। आप हैं प्रभु, आप जब आते हैं मुस्कुराहट लेकर आते हैं। शैतान जब आता है मुस्कुराहट छीनता है, वो चिंताएं लेकर आता है, वो डर लेकर आता है। और आपके नबी ने बताया अविश्वास का दूसरा नाम डर है, लेकिन हम आपके पास आपके लहू के नीचे होते हुए आते हैं, जिसमें हमारा छुटकारा है खुदावन। हम क्या हैं और क्या है हमारा घराना, जिसकी आप सुधि रखते हैं खुदावन। आप लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को कभी भी तुच्छ नहीं जानते। हम बहुत लाचार हैं प्रभु आपके बिना, हम अपने हथियार आपके सामने डालते हैं और ये अपने मुंह से इकरार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज की प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाएं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु, हमें प्रार्थना तक करने नहीं आती खुदावन। बहुत हैपजेटली बैठते हैं हम, बहुत जल्दबाजी में बैठते हैं। आप हमार को शांत बैठना सिखाएं, आप हमार को सिखाएं। टीच अस लॉर्ड हाउ टू प्रे, टीच अस लॉर्ड, हमें कैसे घुटने मोड़ना है हमें सिखाइए, हमें ज्यादा हिलना नहीं है हमें सिखाइए। आप अपने मर्म को उन्हीं के ऊपर प्रकट करते हैं जो बेब्स होते हैं, सच एज वुड लर्न। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस। आज के ग्रुप को प्रभु, भाई विमल और उनके ग्रुप को प्रभु बहुत आशीष देवे। प्रचारक भाई को आपके हाथों में देते हैं, प्लीज लॉर्ड भाई को अपने पवित्र आत्मा से बहुतायत से भरें। भाई की तमाम टेंशन आपके नाम यीशु मसीह में जाती रहे, अधलोक के कुंड में जाके गिरे, जहां जल के भस्म हो खुदावन। परिवार का टेक चार्ज लीजिए प्रभु भाई के, ताकि भाई जब यहां खड़े हो लॉर्ड, बिल्कुल फ्री हो के आपका वचन जब प्रचारा जाए, वो शैतान के स्लाइस एंड कट कर दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही खुदा है। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस फादर, कम लॉर्ड,
stay with us tonight. Abide with us, Lord. Don't go, Lord. आप जाइए मत प्रभु, रुकिए, बने रहिए हमारे साथ. हमें आपकी जरूरत है लॉर्ड, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते. हमारे बच्चों को आपकी जरूरत है, हमारी वाइफों को आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है. यहां पर हम टाइम काटने नहीं आए, मैं टाइम काटने नहीं आया. हमें अपने वचन की अगुवाई दीजिए प्रभु, हमें आत्माओं की परख दीजिए प्रभु. हमें आत्मा की परख है नहीं, हमें आत्मा की परख दीजिए. टीच अस लॉर्ड, हमें पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु. दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर, वी नीड मोर होली गोस्ट लॉर्ड. हैव मर्सी फादर, मैं भरा हुआ हूं लॉर्ड. प्लीज लॉर्ड, हमारे परिवारों की सुधि लीजिए, हमारे जवानों की सुधि लीजिए. और हेल्प अस, ये नैया भव सागर में डूब जाएगी नहीं तो, अगर आप ही ना हैं. कम लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप. द बेस्ट पार्ट, आप हमारी बोट में ही हैं, बस जग जाइए प्रभु, जग जाइए. शत्रु देख के हंसे ना प्रभु, नाम धराई दूर कराइए प्रभु, ताकि जितनी भी प्रार्थनाओं के जवाब जब मिले उसमें केवल और केवल आपका नाम ही ऊंचा उठे, आपका नाम ही जलाल पाए. आप ऐसी दया करिए प्रभु, हमारे परिवारों की सुधि लीजिए. आधे अधूरे परिवार है प्रभु, रहम करिए, रहम करिए. बेस्ट बिलीवर बनाइए. इस मैसेज पे हम दाग ना लगने दें, ऐसा अनुग्रह करिए, रहम करिए. आपकी हजूरी में इन तमाम प्रार्थनाओं को रखते हैं. प्लीज लॉर्ड, आप आए, हमारा गाना गाना, टूटी फूटी वर्शिप काश आपको पसंद आवे. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना विनती मेहरबानी के साथ सुनिए और कबूल करिए. आमेन एंड आमेन, हालेलुया. आइए खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे, हिंदी सेक्शन से गीत का नंबर 138, जब मसीह चलते साथ और थामते भी हाथ. आमेन. राह पे आती अजीब तसल्ली, अगर मसीह हाथ ना पकड़े तो राह तसल्ली आएगी नहीं उसमें. आमेन. राह और कठिन हो जाएगी, लेकिन आज इस गाने के माध्यम से आप खुदा को छू सकते हैं. अपनी निर्बलता की भावनाओं से होते हुए हम खुदा को छू सकते हैं. ये गाना नहीं है, ये आपकी प्रेयर है. आमेन. जब मसीह चलते साथ और थामते भी हाथ, राह पर आती अजीब तसल्ली, मिलता हमको आराम, मिलता सबको आराम, मिलता सबको जो मानते मसीह. ओला तू ईमान और मान भी ऐका और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान. गाने को कभी भी जल्दी खत्म ना करें, ये आपकी बेहतरी के लिए है. इस गाने से आप खुदा से बात करें. लॉर्ड आमेन. घर तूफान हो नजदीक और आसमान हो तारी, आपके चेहरे से पाते रोशनी, ना डर है ना दूर, पर चैन है और सो है सबको जो मानते मसीह. इसलिए ला तू ईमान और
और हमेशा मसीह में अगर बोझ भारी हो और रंजावे हमको अजर देंगे यीशु जलाली बरकत दुनिया में और उस पार मिलती सबको जो मानते मसीह ला तू ईमान और मान भी एका और हमेशा मसीह में रहेगा शर्मा आपका प्यार बेबया That's right, Lord Jesus. कौन करेगा बया मोन जी ने अपनी जान दी वो आपकी उल्फत अच्छी जाहिर हम पर करी जाहिर सब पर जो मानते मसीह ला तू ईमान और मान भी एहका और हमेशा मसीह में रहेगा शात्मा रिफाकत आपके कदम करी तसली दिल पाता सही मुबारक हरा दुनिया में और आसमान होंगे सब जो अब मानते मसीह ला तू ईमान और मान भी एहका और हमेशा मसीह में रहेगा शात्मा Oh, that's right, Lord. La tu iman. We put on trust on you, Lord. We put on trust in you, Lord Jesus. अगर आप हमारी राह पे ना हो हम चल नहीं सकते प्रभु शैतान तो सामने खड़ा है वो धो के मारेगा प्रभु हमें यदि आप सामने से हट जाएं खुदावन लेकिन आप हमारे सामने खड़े रहते हैं खुदावन ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह ऐसे खुदावन जब आज मैं प्रेयर में था इस गाने को गा रहा था लॉर्ड यू आपने हिला दिया खुदावन बस मैं आपसे यही कहूंगा हमारे घर वालों की हमारे परिवारों की बच्चों की सुधि रखें प्रभु प्रभु रहम करें जोड़े खुदावन हम सबको यहां से ले चलिए पेस्ट हाउस हमें नहीं रहना लॉर्ड हमें नहीं रहना इस दुनिया में प्रभु तुझे आपके साथ जाना है प्रभु मेरा दिल नहीं लगता प्रभु
हमारा दिल नहीं लगता इस दुनिया में। आप जानते हैं प्रभु आज क्या हुआ है। ये फोरम बहुत ब्लेसेड फोरम है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक का फोरम नहीं है, ये सोने का फोरम नहीं है। यहां पर सोने नहीं आए प्रभु हम। आप तब पलट के कहेंगे क्या तुम आज शाम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। अरे जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम 666 में ना फंसो, ताकि तुम आजमाइश में ना फंसो। ओ प्रभु, ओ प्रभु रहम करे, हमारे अविश्वास का उपाय करे। आज हम यहां से बदल के जाना चाहते हैं प्रभु, मैं बदल के जाना चाहता हूं। हमें व्याकुलता की आत्मा दीजिए लॉर्ड। हम व्याकुल नहीं है, हम व्याकुल नहीं है, हमें डेस्परेशन की जरूरत है। मर्सी ऑन अस लॉर्ड, मर्सी, हैव मर्सी, हैव मर्सी। आई कांट स्टॉप दिस प्रेयर लॉर्ड, यू नो। फॉरगिव अस लॉर्ड, फॉरगिव अस लॉर्ड, अंडर योर ब्लड वी कम, वी ले आवर हैंड्स ऑन योर परफेक्ट सैक्रिफाइस। सेज आवर माय लैम, आवर लैम, आवर बोआज, आवर ऑल सिंस ऑन यू, योर righteousness इज आवर लॉर्ड, फॉर thou यू माय पर्सनल यहोवा सिदकेनु लॉर्ड। Have mercy, Lord. Come, Lord. Talk to our heart, Lord. Talk to our heart, Lord. Inspire the preacher, Lord. प्रचारक को आप अपने आत्मा से इंस्पायर करिए प्रभु। जगह हिल जाए खुदावन, लोगों के जीवन हिल जाए प्रभु। जब खिचड़ी पे भी बैठे वहां हिले हुए जीवन हो, जब कोई सब्जी निकाल रहा हो वहां हिला हुआ जीवन हो, जब कोई रायता दे रहा हो वहां हिला हुआ जीवन हो। ये मजाक नहीं है प्रभु। क्या बेसमेंट, क्या ये फ्लोर, क्या छत, सब पे आप पाए जाते हैं प्रभु, सब पे आप पाए जाते हैं। रहम करें, रहम करें। For I ask this prayer, most high, mighty name of the Lord Jesus Christ and our Savior. Amen and amen, amen. Thank you, Lord. जबकि आप खड़े ही हैं अपनी आंखों को बंद रखे उस ब्लेसेड कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, एंड things are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, my Lord, I believe. And we all believe, Lord. My Jesus is here. Brother Titus. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus. Yeah.
प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका हम वेलकम करते हैं प्रभु जी का, आप हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार उपस्थित हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे उपवास के साथ प्रार्थना में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, अपनी प्रार्थनाओं को रखने के लिए प्रभु जी। और हमारा पूरा विश्वास है प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु जी और उनका जवाब देंगे प्रभु जी। ओ खुदा, आप हमारे सच्चे खुदा हैं। ओ आपने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आप हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, उसका जवाब भी देते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा, आप हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी कॉन्टेक्स्ट दीजिए प्रभु जी, कि उसके अनुसार हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। अपने पास्टर भाई को और भाइयों को और फैमिलीज़ को जो गई हैं प्रभु जी सिक्किम, एक बार और आपके सामने उठाते हैं प्रभु जी। आपने हमारे भाई को वहाँ पर माइटली इस्तेमाल किया, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी सहायता करें, मदद करें, सुरक्षित रखें और सही समय पर प्रभु जी जब आते हैं सेफली प्रभु जी हमारे बीच में अच्छी खबरों के साथ पहुँचने का फजल दीजिए। भाई विमल के ग्रुप को जिन्होंने आज का इंतजाम अपने हाथ में लिया है, बड़ी बरकत दें प्रभु, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। जितने भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें। धन्यवाद सब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमेन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, हमने ये स्क्रिप्चर देखा था ट्यूसडे को, आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। आज का रिक्वायरमेंट यही है, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, हर एक भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक चीज़ बची है, उनकी आमद हो चुकी है लेकिन हमारा यहाँ से जाना उनके साथ रैप्चर, एक यही चीज़ एक है जो बची हुई है, जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जिसके लिए हम रोज़ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि एक समय आए जब हम यहाँ पर ना आने पाए और हम उनके साथ इटर्निटी व्यतीत करने पाए। तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के अंदर यहाँ पर तीन बार हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सातवीं आयत में, बिहोल्ड आई कम क्विकली, ब्लेसड ही दैट कीपेथ द सेइंग ऑफ द प्रोफेसी ऑफ दिस बुक। और उसके बाद 12वीं आयत में, एंड बिहोल्ड आई कम क्विकली एंड माय रिवॉर्ड इज विथ मी टू गिव एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क शैल बी। आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, द फर्स्ट एंड द लास्ट। आई जीजस हैव सेंट, 16वीं आयत से, आई जीजस हैव सेंट माय एंजल टू टेस्टिफाई अनटू यू दीस थिंग इन द चर्चेस। आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड एंड द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार एंड द स्प्रिट एंड द ब्राइट से कम एंड लेट हिम दैट हियरेथ से कम एंड लेट हिम दैट हियर थर्स्ट कम एंड हूसोएवर विल टेक हिम द वाटर ऑफ लाइफ फ्रीली। और 20वीं आयत से, ही विच टेस्टिफाइड दीज थिंग सेथ श्योरली आई कम क्विकली, आमेन, इवन सो कम लॉर्ड जीजस, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट बी विच यू ऑल, आमेन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तीन बार कह रहे हैं मैं जल्दी आने वाला हूँ। तीन बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये आखिरी अध्याय है प्रकाशित वाक्य का और इसके बाद बाइबल बंद हो जाती है, और उसमें यही कह रहे हैं प्रभु जी, मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। कोई और हम जानते हैं प्रभु, यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर, 1001 दिन के बराबर है। उन्होंने कहा जल्दी आने वाला, और मत्ती 24 के अंदर हमने देखा कैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं अंत समय के, और कह रहे हैं जब इन चिन्हों को देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मेरे भाइयों बहनों, हमारा छुटकारा बहुत निकट है, हम सोच भी नहीं सकते कब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हिंदी में पढ़िए भैया, 7वीं आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। 12वीं आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। 16वीं आयत से, मुझ यीशु ने अपने दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ,
और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। 20वीं आयत। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। यूहन्ना भी कहता है, इवन सो कम लॉर्ड जीसस। और हम भी कहते हैं, हम भी ब्राइड है प्रभु यीशु मसीह, आप जल्दी आइए। अब हम इस संसार में रहना नहीं चाहते प्रभु जी, आप जल्दी आइए। मेहरबानी से बैठ जाए। एक जगह और हम सब जानते हैं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं स्क्रिप्चर, डैनियल 9 के अंदर हम सब जानते हैं, जब इजरायली गुलामी में थे, डैनियल ने शास्त्रों के द्वारा जान लिया कि 70 साल की गुलामी होने वाली है, होने वाली थी, और 68 साल हो चुके हैं। डैनियल को स्पेसिफिक टाइम पता है कि अब 2 साल रह गए हैं, और वो टाट ओढ़ के उपवास के साथ प्रार्थना में लग गया। और हम जानते हैं प्रभु ने डैनियल को उसका जवाब भी दिया, दूत आया, गैब्रियल आया, और उन्होंने डैनियल को जवाब दिया। एक टाइप प्रेयर वहाँ पर लिखी हुई है, जब 9वें अध्याय को पढ़े कि कैसे डैनियल अपने और अपने जाति भाइयों का गुनाहों का अंगीकार कर रहा है। जब निकलना है, गुलामी से निकलना है, तो अपने पापों का अंगीकार करना है, प्रभु के पास आना है और मानना है, प्रभु जी हम गुनहगार हैं, हमारे पापों को आप क्षमा करिए। पूरी प्रेयर डैनियल की यही है, प्रभु हमने गुनाह किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और माफ़ी मांग रहा है, और जब माफ़ी मांग रहा है, खुदा ने भी उसकी प्रार्थना को कबूल किया, और आके उसे बताया अंत के समय में क्या होने वाला है। सारी बातें हम सब जानते हैं, मैं उन बातों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन डेस्परेशन, एक डेस्परेशन की हालत में डैनियल आ गया, 2 साल बचे थे। अब यहाँ तो 2 साल का जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो लिखा है क्विकली। क्विकली का मतलब क्या होता है, पलक झपटते, एक आँख आपने झपकी और वो क्विकली हो गया। हमें तो समय भी नहीं पता, हमें तो 2 साल भी नहीं पता, हमारे पास तो 2 साल भी नहीं है, हमारे प्रभु तो कभी भी आने वाले हैं। और उन्होंने एक बार नहीं कहा, आखिरी पुस्तक के अंदर 3 बार कहा, मैं जल्दी आने वाला हूँ। हमारे खुदा झूठ नहीं बोलते, वो ऐसे नहीं है, मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, सन ऑफ मैन नहीं है, मनुष्य के पुत्र नहीं है जो पछता है। एक बार उन्होंने कह दिया मैं जल्दी आने वाला हूँ, तो वो जल्दी आने वाले हैं। मेरे भाइयों बहनों, समय ख़त्म हो गया, हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 के अंदर कही थी, सारी की सारी पूरी हो गई, सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, सारी संसार की हालत आज ऐसी है जैसे प्रभु यीशु ने बता दिया था, हर चीज़ वही हो रही है, हर चीज़ करीने के साथ होती चली जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कह, जब इन बातों को होते हुए देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। वहाँ भी प्रभु यीशु समय नहीं बता रहे, निकट है, निकट का मतलब पास में है, हमारा जाना बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों, हमारा रैप्चर किसी समय भी हो सकता है। हम ढीले ढाले एटीट्यूड में फिर क्यों बैठे, आज जब प्रभु ने एक फोरम दिया है, आज प्रभु ने उपवास के साथ प्रार्थना में आने के लिए भाई और बहनों को मौका दिया है, तो हम इसका यूटिलाइज क्यों ना करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु आप आइए, आप हमें यहाँ से लेकर के जाइए, हम इस पृथ्वी के ऊपर और रहना नहीं चाहते, क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बाट झेल झो रही है। पृथ्वी भी छुटकारा चाहती है, वो पृथ्वी छुटकारा चाहती है, ये भी हम भी तो एक पृथ्वी है, हम भी पृथ्वी से ही बने हुए हैं, वो पृथ्वी छुटकारा चाहती है, तो ये पृथ्वी छुटकारा क्यों ना पाएगी। हम भी यही चाहते हैं, प्रभु आप आइए, इस देह का आप छुटकारा करिए, प्रभु हमें यहाँ से जल चल लेकर के जाइए, अब हम इस पृथ्वी के ऊपर और रहना नहीं चाहते। लेकिन हम अपना अंगीकार तो करें, हम डैनियल के समान प्रार्थना तो करें, हम प्रार्थना में प्रभु के साथ लग तो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें जैसे डैनियल प्रार्थना कर रहा है। जैसे डैनियल टाट ओढ़ के राख में बैठ गया, वो तो प्राइम मिनिस्टर जब ये सब कर सकता है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम किस खेत की, हिंदी में कहते हैं किस खेत की मूली है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब डैनियल ये कर सकता है, हम डेस्परेशन की हालत में क्यों ना आ सकते। डेस्परेशन की हालत में डैनियल, उसे मालूम है 2 साल रह गए, कहीं ऐसा ना हो हमारी गुलामी बढ़ जाए,
हम भी यदि प्रभु चाहते हैं हम उन्हें से प्रार्थना करें और उन्हें बुलाएं। जब तक हम प्रभु को नहीं बुलाएंगे वो क्यों आएंगे? वो इसराइलियों के लिए भी तो वेट कर रहे थे। इसराइली आराम के साथ गुलामी में खुश थे, उन्हें मीट चिकन फिकन सब कुछ मिल रहा था, आराम के साथ बैठे थे। कोई नहीं कह रहा प्रभु आप हमें गुलामी से लेकर के चले जाओ, और इसराइली रेडी नहीं थे बाहर निकलने के, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने बाइबल पढ़ी है कि मूसा 40 वर्ष का हुआ, हम जानते कैसे उसने एक मिस्री को मारा और रेत में दबा दिया। जब नेक्स्ट डे वो गया, जब दो इसराइली भाई लड़ रहे थे, उन्होंने मूसा का तिरस्कार किया, क्या तुझे किसने हमारे ऊपर हाक। यदि उस समय इसराइली मूसा को पहचान जाते उनकी गुलामी 40 साल पहले ख़त्म हो जाती। अब हम जानते हैं बाइबल के अनुसार 430 साल की गुलामी हुई, तो 40 साल का जब मूसा था वो तो तैयार था इसराइलियों को निकाले, 390 साल में इसराइली चले जाते, लेकिन 40 साल की गुलामी और बढ़ गई उनकी, क्योंकि वो रेडी नहीं थे। हो प्रभु ने कह दिया मैं जल्दी आने वाला हूँ, यदि हम नहीं रेडी रहेंगे तो हमारे प्रभु कैसे आएंगे? क्योंकि वो तो एक दुल्हन को लेके जाने आने के तैयार हैं, जो कि रेडी है, जिसने अपने वस्त्रों को तैयार कर लिया है, जैसे लिखा भी है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो हम क्या तैयार हैं, हमें देखना है। और ये भाई बहनों ने ये जो मैसेज प्रचार किया इसके अंदर भाई बहनों में एक प्रार्थना कर रहे हैं, यही स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद भाई बहनों प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनकी प्रार्थना को पढ़ूंगा क्योंकि ये मॉडल प्रेयर है। प्रॉफिट से बढ़कर के और प्रेयर नहीं हो सकती, प्रॉफिट से बढ़कर और कोई प्रेयर कर ही भी नहीं सकता। प्रॉफिट ने ये प्रेयर करी है ये स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। आर गॉड वी कम टू दे इन द नेम ऑफ दाय बिलवड सन, प्रभु यीशु मसीह हम आपके प्रिय बेटे के नाम में हम आते हैं। हु हैज़ बिड अस टू कम सेइंग आस्क द फादर एनीथिंग इन माय नेम, जिसने कहा है, जिन्होंने कहा है पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखने यीशु मसीह के नाम से, कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा मांगोगे पिता से और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम प्रभु से अपना रैप्चर मांगते हैं, प्रभु आप हमको रैप्चर दीजिए, अब हम यहाँ से रहना नहीं चाहते, अब हम यहाँ से जाना चाहते। सो वी कम इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में आते हैं, टू फर्स्ट रिपेंट ऑफ आर ओन सिन, हम अपने गुनाहों का पहले अंगीकार करते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में गलतियां। सेम पैटर्न डैनियल भाई भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने जाति भाइयों के गुनाहों की पहले माफ़ी मांग रहे हैं। भाई ब्रैनम जब प्रेयर कर रहे हैं कह रहे हैं प्रभु हम अपने गुनाहों से रिपेंट करते हैं, प्रभु जी हमने जो पाप किए हमने गलत किया, प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। एक मॉडल प्रेयर मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमें बताती है हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रार्थना में कैसे प्रभु को अप्रोच करें, ये तरीका ये है। एंड आर शॉर्ट कमिंग एंड टू आस्क दी टू क्लेंज अस फ्रॉम ऑल आवर इनिक्विटी एंड टू पर्ज आवर थिंकिंग दैट वी विल थिंक अपॉन द थिंग्स दैट आर राइट एंड पर्टेनिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड, कि हमारी थिंकिंग को आप चेंज करें प्रभु जी, हर एक गलत चीज़ों को निकालें प्रभु जी, हमारे अंदर का सारा खमीर आप निकाल दें प्रभु जी, हमारी थिंकिंग क्या हो किंगडम ऑफ गॉड, हम हमेशा प्रभु के राज के बारे में हम सोचें, संसार की उपलब्धियों के बारे में हम ना सोचें, मुझे ये चाहिए कार चाहिए मुझे वो चाहिए ये ना सोचें, लेकिन हम प्रभु के राज के बारे में हम हमेशा सोचें। एंड मे आर थॉट्स बी टू नाइट ऑन समथिंग दैट वुड बेटर द किंगडम ऑफ गॉड, जो खुदा की राज को बेटर कर सके, एंड वुड बेटर द पीपल दैट आर इन द किंगडम, और जो लोग भी अच्छे हो सकें। एंड मे आर हार्ट बी पर्च फ्रॉम ऑल फाउल थिंग, हर एक गलत चीज़ों से हमारे हृदय पर्च किए जाएँ, धोए जाएँ, निकाले जाएँ, झंझोड़े जाएँ, साफ किए जाएँ, जूफे से हमारे हृदय को आप साफ करिए, हर एक गलत चीज़ें हमारे अंदर से आप निकालिए प्रभु जी। कई बार हम गलत कर बैठते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करिए, सारी गलतियों को आप माफ़ करिए, यह है प्रार्थना। ऐसे ही डैनियल भी प्रार्थना कर रहा और उसकी प्रार्थना सुनी गई। हम आ जाएंगे प्रभु के सामने अपनी भड़ास निकाल देंगे, प्रभु नहीं सुनता। हमें पहले अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर करना चाहिए, हमारी गलतियों को मानना चाहिए, हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहिए, हमें प्रभु के लहू के नीचे जो कैलवरी क्रूस को बहाया गया उसके नीचे हमें आना चाहिए, हमें वचन के नीचे आना चाहिए। हम आपके सामने जिससे कि हम संपूर्ण शुद्ध हृदय के साथ और के साथ हम आ सकें। वी प्रे फादर टू क्लेंज आर हैंड्स एंड प्योरीफाई आर हार्ट्स, वॉश अस इन द वाटर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चीज़ों से हमें अलग अलहदा किए हुए पानी के द्वारा धोएं, वो क्या है वचन।
वचन के द्वारा प्रभु आप हमें धोए, हमें संसार से अलग करें। हम संसार के सदस्य नहीं होना चाहते प्रभु जी, हम अलग होना चाहते हैं। हम अलग, एक अलग ही हम जाति के लोग हैं, हम संसार के साथ रहना नहीं चाहते। अपने वचन के द्वारा आप हमें पवित्र करें, आप वचन के द्वारा हमें धोए, रगड़ रगड़ के हमें धोए, मतलब हमें सैंक्टिफाई करें प्रभु जी, हमें पवित्र करें प्रभु जी, सारी गलतियों को हमारी निकाल दीजिए प्रभु जी। और वचन जितना अंदर जाएगा उतना ही हम पवित्र होते चले जाएंगे, उतना ही हम साफ होते चले जाएंगे। वी प्रे दैट द वर्ड विल सर्च डीप इनटू ऑल आवर हार्ट्स टुनाइट, और वचन गहराई के साथ हमें परखे आज। हमें एक एक जन यही प्रार्थना, प्रभु अपने वचन के द्वारा आज मुझे परखो, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। दाऊद भी यही कहते हैं, प्रभु आप मुझे परखिए, मैं सही हूँ कि नहीं। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड, मेरे अंदर एक साफ हृदय आप बनाए। रिमूव ऑल द थिंग्स, जितनी भी गलत चीज़ें हमारे हृदय से आप निकालें प्रभु। एंड विल क्लीन अस फ्रॉम ऑल और एनी डिसबिलीव, हर एक डिसबिलीव, हर एक अविश्वास। कई बार हम सोचते रहे मैंने दुआ तो करी, क्या मेरी दुआ सुनी गई? प्रभु के सामने जब हम दुआ करते हैं प्रभु हमारी दुआओं को सुनते हैं। हो सकता देर हो जाए, हो सकता कुछ समय लग जाए, और फिर डिसबिलीव आती है, शैतान आके फुसफुसाएगा, अरे तेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, अरे प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। हर एक प्रभु से प्रार्थना करें, हर एक डिसबिलीव से, हर एक अविश्वास से प्रभु हमें बचाए, किसी रीति से भी कोई इसी प्रकार का विश्वास हमारे हृदय में ना आने पाए। आपका वचन पक्का है, आप पक्के हैं, आप वचन के पक्के हैं। आपने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा, कुछ भी हो जाए आप हमारे, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तभी तो मरकुस 11:23 के अंदर लिखा हुआ है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ करके समुद्र में चला जा तुम, और विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर चीज इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर आवर लॉर्ड। कोई भी चीज हमारे प्रभु के सामने इम्पॉसिबल है ही नहीं, हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल। तो हमारा रैप्चर क्यों ना पॉसिबल होगा? आज मैं फोकस रैप्चर पे कर रहा हूँ, हमें यहाँ से उड़ करके जाना है। बहुत हो गया, सालों साल हमने बिता दिए, सालों साल दुनिया में हम बिताते चले गए, अब यहाँ हम रहना नहीं चाहते। एंड ऑल विल क्लींस अस फ्रॉम एनी डिसबिलीव दैट मे आवर हार्ट बी रिन्यूड इन द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय बदल सके। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दीजिए प्रभु, चेक करना है। हम कहें भाई हमें मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हमें धोखे में नहीं रहना है। वाकई में क्या वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है? क्या वो वाकई में प्रभु हमारे अंदर रहता है? वाकई में क्या वो टोकन हमारे पास है कि नहीं? ये जांचने वाली बात है। एंड मे ही ब्रिंग टू अस टुनाइट दोज थिंग विच वुड बी प्रॉफिटेबल टू द किंगडम ऑफ गॉड। हेल्प दोज लॉर्ड हु आर फीबल अलोंग द वे, प्रभु जी जो कमजोर है, लाचार है, बीमार है, प्रभु जी आप उनकी मदद करिए। हम यहाँ पे आए बीमारों के लिए भी प्रार्थना करने, प्रभु हमारे सारे बीमारों को चंगाई दीजिए। एंड ओ गॉड इन दिस डार्क एंड ट्रेचरस आर दैट वी आर लिविंग, और इस अंधकार के संसार में जब हम रह रहे हैं, एंड एज वी लुक अहेड फॉर द वर्ल्ड क्राइसिस, संसार में बड़ी बड़ी क्राइसिस होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, एक नेशन दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर ऑलरेडी हो रही है, अर्थक्वेक एक के बाद एक आ रहे हैं, वी सी ओनली डार्कनेस अहेड, प्रभु जी संसार में बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने कहा शाम के वक्त उज्ज्वला होगा, ब्राइट के पास उजाला है, संसार में अंधकार है लेकिन ब्राइट के पास उजाला है। वचन है, आज का मैसेज है जो उजाला लेकर के आया है। एंड दाउ हैज सेड लुक अप, और आपने कहा, यही बात यहाँ पे भाई बहन हम प्रेयर में कह रहे हैं, आपने कहा कि लुक अप व्हेन दीज थिंग बिगिन टू हैपन फॉर अ रिडेम्पशन इज ड्रॉइंग नाय। जब ये सारी चीजें संसार में हो रही है, संसार बर्बादी की ओर जा रहा है, संसार की कंडीशन बहुत खराब है, संसार में सारे हर एक चीज बेकार है, तो यीशु मसीह ने कहा था ऊपर देखना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। अब हम इनकी ओर देखें, इनकी ओर देखें, क्या देखें कि अब हमारा छुटकारा निकट, हमारा छुटकारा। मेरे भाइयों बहनों, खुदा ने कहा मैं बहुत जल्दी आता हूँ, खुदा ने कहा मैं शीघ्र आता हूँ। हम प्रभु को आज प्रार्थना में प्रभु को मजबूर करें कि प्रभु जल्दी आ जाए। अब हम संसार में रहना नहीं चाहते, प्रार्थना के जरिए विश्वास की कि प्रार्थना के जरिए सब कुछ हो सकता है। And maybe be exhorted tonight by the Holy Spirit to take this to heart, to look up in the face of God of heaven,
who has promised our redemption at this time. क्योंकि उसने हमारा redemption, छुटकारा promise किया है. उन्होंने कहा है मैं जल्दी आता हूँ. उन्होंने कहा है हमें छुटकारा देंगे. और जैसे जॉन ने भी प्रार्थना की, हमने पढ़ा आखिरी वर्ड सेंटेंस, आखिरी वर्ड जॉन का है. यीशु मसीह तीन बार कह रहे हैं मैं जल्दी आता हूँ, और जॉन कहता हाँ प्रभु जल्दी आ. ये जॉन भी कहता है प्रभु जल्दी आ. वो जॉन भी कहता है प्रभु जल्दी आ, और ये जॉन जो बैठा है वो भी कहता है प्रभु आप जल्दी आइए. अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, आप हम यहाँ से जाना चाहते हैं. एंड वी प्रे दैट यू विल ग्रांट दिस थिंग टू अस टुनाइट एंड हील ऑल आवर सिक एंड अफ्लिक्टेड. प्रभु आज आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे. विश्वास के साथ भाई बहन हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे सारे बीमारों को जो बीमार हैं और परेशानी की हालत में, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन के सारे बीमारों को आज चंगा करेंगे और जो परेशानी में उनकी परेशानी जाती रहेगी, यह विश्वास है हमारा. प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनें क्योंकि आप यहाँ पे हैं. एंड कम्फर्ट द सेंट्स कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस. जो कुछ प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट है कि उनके बच्चे रिपेंटेंस पे आ जाए, प्रभु आप ग्रांट करेंगे. जो पापी हैं प्रभु आप उन्हें अपने पास ले करके आएंगे. एंड रिन्यू ऑल ऑफ अस, हमें रोज नया होना है, हम सबको रोज नया होना है. प्रभु आप हम में से हर एक को रिन्यू करेंगे, आप हमें नया बनाएंगे. दैट वी वुड गो फ्रॉम हियर टाइटनिंग ऑन द, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएं प्रभु के सारे हथियारों को बांध करके यहाँ से जाने पाए, क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है. यहाँ से निकलेंगे शैतान पकड़ लेगा, फुसफुसाएगा क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई. शैतान को कहना गेट आउट, मेरे पास विश्वास है, विश्वास की ढाल है मेरे पास, मेरे पास विश्वास है. मैंने आज जो प्रार्थना करी है विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना करी है, और मुझे मालूम है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है. शैतान तो दूर हो जा. विश्वास के साथ शैतान को चैलेंज करना है, और जैसे कि एक सोल्जर जाता है लड़ाई के लिए, हमें वैसे रहना है. इसराइलियों को भी खुदा ने जब वहाँ से निकल रहे थे एक्सोडस के लिए, हाथ में लकड़ी, पैरों में जूती, कमर में पटका बांधे हुए थे तैयार. अब हमें ढीले ढाले एटीट्यूड से नहीं रहना है, हमें बिल्कुल कड़क होना है और बिल्कुल तैयार रहना है कि हमारा छुटकारा कभी भी हो सकता है. नाउ एज वी हैव गैदर्ड टू नाइट एंड ईच इन प्रेयर एंड द बैनर ओवर अस, द मॉर्निंग स्टार लीडिंग द वे. मॉर्निंग स्टार हमारी अगुवाई कर रहा है. एक मॉर्निंग स्टार हमारे पास आया है, 2011 में प्रभु ने भेजा है. वो हमारे लीड कर रहा है, वो हमें गाइड कर रहा है. जब हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास पिलर ऑफ फायर है, हमारे पास सोर्ड है, ये हमें लीड कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं. एंड द होस्ट ऑफ द एनिमी हैज एनकैम्प्ड ऑल्सो, एंड ग्रेट चैलेंज कम्स आउट एंड मेक्स इज बोथ से दैट दिस डेज. लोग कहते हैं भाई मिरेकल नहीं होता, लेकिन हमें मालूम है एवरीथिंग इज पॉसिबल. खुदा के सामने हर चीज़ संभव है. शैतान कहेगा कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये शैतान कैंसर भी ठीक होता है इस मैसेज के सामने, क्योंकि दूत ने कहा था इस मैसेज के सामने कैंसर तक खड़ा नहीं रहेगा. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट वो गॉड रेज टू अस अ डेविड, अ वॉरियर, अ चैलेंजर. मे दैट स्पिरिट ड्वेल इन एवरी हार्ट रिचली. और आपका आत्मा हर एक देह के अंदर बहुतायत से बहस करे. फॉर वी आस्क इट इन क्राइस्ट नेम, आमीन. हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. ये प्रार्थना भाई बहन हमने करी, अपने पापों का अंगीकार किया, गलतियों का अंगीकार किया, अपने आप को वचन के द्वारा प्रभु से मांगा धोइए, और प्रभु से कहा हमें वो वेपन दीजिए जिससे हम शैतान का सामना कर सके, पवित्र आत्मा दीजिए, हमारी मशालें जलती रहें, हमारी स्पिरिट को रिन्यू करिए, और आप जल्द से जल्द प्रभु जी आइए, हमें यहाँ से ले करके जाइए. ये एक प्रेयर है जो प्रॉफिट ने करी. ये प्रार्थना के अनुसार आज हम भी प्रार्थना करें प्रभु से और कहें प्रभु जी आपका वचन सच्चा है, आपने कहा मैं जल्दी आता हूँ. हे प्रभु, जैसे यहूना ने कहा था पत्मस नाम टापू में, हे प्रभु आप जल्दी आए, हम भी कहते हैं हे प्रभु आप जल्दी आए, हमें यहाँ से ले करके चले जाएं. प्रभु आप लोग बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें. अभी प्रेयर का समय होगा, मैं भाई विमल से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में लीड करें.
खुदा का धन्यवाद करते हैं एक अच्छे मैसेज के लिए। ऐसे मेरे रैप्चर में तैयार होना है, मैं तैयारी बख्श में खुदा उनसे दुआ करें। कोई भी एक भाई अच्छे मैसेज के लिए दुआ करें। आमीन आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। यस लॉर्ड, आमीन आमीन। यस लॉर्ड, सच है लॉर्ड। यस लॉर्ड, आमीन आमीन। सच है, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन आमीन लॉर्ड। यस जीसस, यस जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सच है लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, सच बात। आमीन लॉर्ड, यस लॉर्ड, सच बात। यस लॉर्ड, आमीन लॉर्ड, यस लॉर्ड, सच लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, सच बात। यस लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन। यस लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। Amen. Amen. Yes, Jesus. Such a Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. आमीन आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। सच है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। सच बात, यस लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन लॉर्ड। आमीन।
Yes, Lord. Amen. Amen, amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen, amen. Yes, Lord. Amen. Such Lord. Amen. Amen, amen, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen, amen. 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 Yes, Lord. Amen. Such a Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Such about. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord.
यस लॉर्ड, आमीन, यस लॉर्ड, आमीन आमीन लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन आमीन लॉर्ड, आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। यस लॉर्ड, आमीन आमीन लॉर्ड, यस लॉर्ड, सच लॉर्ड, आमेन। यस लॉर्ड, आमेन आमेन। Amen. सच है। Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Such a Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Such word. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Amen, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Such a Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amen.
आमीन आमीन आमीन। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम उसमें शामिल हो सकते हैं आमीन के साथ। दुआ करेंगे। आसमान ज़मीन खालिक को मालिक जिंदा खुदा यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने सर को आपके चरणों में झुकाते हैं ऐसे बड़े अनुग्रह के लिए खुदावंद, जिसमें आपने हमें अपने पास आने का फजल बख्शा। हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बताता कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सच है लॉर्ड, ये आपका खिंचाव है, ये पुल है खुदावंद, जिसमें होते हुए खुदावंद आपने अपने करीब आने का फजल बख्शा। ओ खुदावंद, बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस में आप आए खुदावंद। ओ लॉर्ड, अपने हाथों को अपनी कुर्बानी अपने मेमने प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, कहते तमाम गुनाह उस पर हैं और उसकी राजबाजी हमारी आप ही अवस्थित के नु है। आपके ही बाह्य लहू में अंडर द शेड ब्लड प्रू आपके चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, आप जीवित हैं खुदावंद, आप काल आज गुआरुक एक से हैं खुदावंद, आप जिंदा हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, उसका जवाब देने वाले हैं, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं अपने अजीज पास्टर भाई के लिए खुदावंद, और भाई बहनों के लिए खुदावंद जो सिक्किम गए हैं खुदावंद। बड़े अच्छे मीटिंग से आपने हमें ब्लेस करा, वहाँ के चर्च को आपने प्रभु ब्लेस करा, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ प्रभु, जबकि वहाँ पे हैं, विजिट करते हैं जगह जगह प्रभु, उनके साथ हों खुदावंद, जहाँ जहाँ वो कदम पड़े खुदावंद वो जगहें जीती जा सकें खुदावंद। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जबकि भाई लोग प्रभु सैटरडे को वापस आ रहे हैं खुदावंद, गुजरनी मस्जिद देते हुए सही प्रकार से आने का फजल बख्शें ओ प्रभु, और हमारे बीच में तमाम गवाहियाँ प्रभु लेके आ सकें, हम एंजॉय कर सकें, खुश हो सकें, ऐसा फजल करें। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जबकि भाई आशीष और भाई लोग 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बरनाला संगरूर लुधियाना में मीटिंग के लिए जाएंगे खुदावंद, पंजाब में, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड प्रभु, भाई को मैटली इस्तेमाल करें खुदावंद, उनकी ज़रूरत और मौसम के मुताबिक उनको प्रभु वहाँ पर खाना प्रोवाइड करें खुदावंद। ओ अनुग्रह करें खुदावंद, वहाँ जाना भाई के लिए प्रभु, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा प्रभु लाभकारी हो सके खुदावंद, वो लोग अपना हिस्सा रिसीव कर पाए खुदावंद, और आपकी दुल्हन में और आगे बढ़ सकें खुदावंद, आपकी और भेदों को जान सकें खुदावंद, आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। विनती प्रार्थना करते हैं इसी तरह से प्रभु, जबकि भाई 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रभु आंध्रा जाएंगे, वहाँ वारंगल दिगामरू और विजयवाड़ा में मीटिंग है खुदावंद, आप प्रभु भाई का कंट्रोल अपने हाथ में लें खुदावंद, भाई को सेहत तंदुरुस्ती दें खुदावंद, भाई को तबीयत को बिल्कुल ठीक रखें खुदावंद, अपने रेवलेशन से भरें खुदावंद, अपने पवित्र आत्मा से भरें खुदावंद। ओ खुदावंद, जब भाई बोलें खुदावंद, ये भाई नहीं बल्कि आप बोलें खुदावंद, वो एंजल ऑफ लॉर्ड प्रभु उनके साथ साथ जाए खुदावंद, और खुदावंद वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद उनको खाना दे खुदावंद। इनकी प्रार्थना करते हैं उनको प्रभु वो चीज़ प्रोवाइड करे जो उनकी ज़रूरत है खुदावंद, बहुत ऐसे खुदावंद बड़ी अच्छी खबरों के साथ, बड़ी अच्छी गवाहियों के साथ प्रभु भाई लोग वापस आ सकें खुदावंद। वो खुदावंद विनती प्रार्थना करते हैं, जबकि वो 1 जून को वापस आते हैं खुदावंद, प्रभु जनी मसीह देते हुए सारे भाई बहनों को प्रभु भाइयों को सर प्रकार से हमारे बीच में आने का फजल बख्शें, आप रहम करें खुदावंद। विनती प्रार्थना करते हैं, जबकि 24 तारीख को प्रभु देवीपुरा में भाई दिनेश के घर पर मीटिंग है खुदावंद, भैया को माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद, जबकि तमाम भाई लोग प्रभु जाते हैं वहाँ पर प्रभु होने दें खुदावंद, जर्नी मस्जिद दें, तमाम मौसमी खराबी से बचाएं खुदावंद, धूप गर्मी से बचाएं, बड़े अच्छे मीटिंग हो सके, कह सकें, कहें बड़ा भला हुआ आमक पे भवन आया खुदावंद, आपने हमसे बात करी खुदावंद। ओ प्रभु, बड़े खुशी के साथ प्रभु गवाहियों के साथ लौट सकें, ऐसा फसल करें खुदावंद। विनती प्रार्थना करते हैं, जबकि भाई जॉन डेविड और भाई थियोफिलस प्रभु 21 मई को प्रभु आसनसोल जाएंगे खुदावंद, भाइयों को इस्तेमाल करें खुदावंद, प्रभु अपना प्रभु मर्म वहाँ के लोगों को बताएं खुदावंद, भाई लोग प्रभु ना बोलें बल्कि आप बोलें खुदावंद, वहाँ से आपके लोग निकल सकें खुदावंद। जबकि 24 तारीख को भाई प्रभु आजमगढ़ जाएंगे खुदावंद, आप उनके साथ हों खुदावंद, प्रभु वहाँ भी मीटिंग में प्रभु आप उनके साथ हों खुदावंद, प्रभु माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद प्रभु, और जबकि 24 तारीख 28 तारीख को वापस लौटेंगे खुदावंद, उनको जर्नी मस्ती देते हुए सही प्रकार से आने का फसल बख्शें खुदावंद। इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं भाई सुनील लाजरस, भाई इसराइल लाजरस, भाई प्रभु अनुराग, भाई अक्योला, जबकि जबलपुर जाएंगे, इटारसी जाएंगे, कटनी जाएंगे खुदावंद, भाइयों के साथ खुदावंद, प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करें खुदावंद, वहाँ से जो भेड़ें प्रभु रुकी हुई हैं प्रभु निकल के आ सकें खुदावंद। प्रार्थना करते हैं, जबकि चारों तरफ बड़ा मुश्किल है प्रभु एमपी में यूपी में प्रचार करना खुदावंद, आपके नाम की गवाही देना खुदावंद, आप उनके साथ हों खुदावंद, आप उनके साथ जाएं खुदावंद, आप बोलें खुदावंद, ओ खुदावंद प्रभु, और वो वहाँ से बड़ी जीत के साथ लौट सकें खुदावंद। इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जर्नी मसीह दें, गाड़ियों को मखसूस करें, आ जाने का फजल बख्शें, अपने लहू बना कर रखें, आप ऐसा रहम करें खुदावंद। इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बेटी ग्रेस बेंजामिन ड्यूक के लिए खुदावंद,
जिसको नी पेन है खुदावन, वीकनेस है खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं। आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने आज नहीं 2000 साल पहले प्रभु वो प्रभु कोड़े खाए हैं खुदावन, प्रभु आपने चंगाई दे दी खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई कपिल और उनकी पत्नी सिस्टर शारोन के लिए, जिनके दोनों पैरों में सूजन है खुदावन, पैरों में बहुत दर्द है, आप उन्हें चंगाई दें, आप चंगा करने वाले हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के लिए, जशाद गार्डन वाली बहन के लिए खुदावन, जिनके घुटनों में दर्द है खुदावन, उनके पेट में दर्द है खुदावन, आप चंगा करें खुदावन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूँ खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं सीरत के लिए खुदावन, जबकि उसको बुखार है खुदावन, कमजोरी है खुदावन, नमनेस है खुदावन, आप सब जानते हैं खुदावन, स्ट्रेंथन करें खुदावन, तमाम नमनेस जाती रहे खुदावन। विनती प्रार्थना करें तमाम बुखार जाता रहे खुदावन, स्ट्रेंथन करें खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं। आपने कहा मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है खुदावन। बेटी रेचल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि थोड़ा प्रभु अभी घाव सा रह गया खुदावन, सूख रहा है खुदावन, पूरी तरह हील करें खुदावन। आप आधी अधूरी चंगाई नहीं देते खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने पूरी तरह चंगाई दे दी, आपकी बड़ी तारीफ हो खुदावन। प्रार्थना करते हैं भाई करण पाल और भाई निशांत, जबकि प्रभु कल अलीगढ़ एटा और कासगंज जाएंगे प्रभु, उन बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खुदावन, हमें मालूम है खुदावन ये किताबें नहीं है खुदावन, ये आप है खुदावन जो घरों घरों में जा रहे हैं खुदावन, अपने आप को रिवील कर रहे हैं खुदावन। होने दो खुदावन प्रभु, इन वचनों को पढ़ के खुदावन आपके नज़दीक और आ सके खुदावन, आप ऐसा रहम करें, भाइयों को आने जाने में मदद करें, लहू बना कर रखें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बेटी रूथ मैसी के लिए, जो कि भाई अमित मोहन गार्डन में उनके पत्नी है खुदावन, जो फैमिली में है खुदावन, उनको नॉर्मल डिलीवरी दें, सेफ कन्फाइनमेंट दें और उनकी खुशियों के अनुसार उनको आशीष दें खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई गौरव, जो वजीराबाद में रहते थे खुदावन, अपने प्रभु एक किराए के घर के लिए प्रभु ढूंढ रहे हैं खुदावन, आप उनको घर प्रोवाइड करें खुदावन, हर चीज़ आपके परफेक्ट कंट्रोल में खुदावन, जबकि प्रभु उनको पर कर्ज ज़्यादा खुदावन, तमाम के लोन को आप पटाएं खुदावन, आप उनका इंतजाम करें खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। ओ खुदावन तमाम परेशानी से बचाएं खुदावन, आपके चरणों में आए खुदावन, आपकी तरफ नज़रें उठी हुई हैं खुदावन, आप उनके नज़रों को खुदावन, ओ प्रभु उनके ज़रूरतों को आप पूरा करें खुदावन। जिन्होंने आपकी तरफ देखा उनके मुँह कभी काले नहीं होने पाए, हमें मालूम है खुदावन का वचन बताता है खुदावन, ओ उन्होंने ज्योति पाई खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन कुमकुम के लिए, जो कि प्रभु जबलपुर में खुदावन, जबकि बहुत परेशान है खुदावन, उनके हस्बैंड प्रभु जबकि पूरी तरह मैसेज में नहीं है खुदावन, प्रभु जब अपने घर को बेचना चाहते हैं खुदावन, आप रहम करें प्रभु, वो अपने घर को ना बेच सकें खुदावन प्रभु, जबकि उनकी पत्नी सिस्टर कुमकुम और बच्चे खुदावन पूरी तरह मैसेज में पाए जाते हैं खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके मन को प्रभु चेंज करें खुदावन, तमाम पाए जाने वाले दुष्ट आत्माओं को दूर करें खुदावन, उनके प्रभु सही करें दिमाग को खुदावन, ताकि अपने परिवार के साथ मैसेज के साथ खुश रह सकें खुदावन, आप सब कुछ कर सकते हैं खुदावन, हर चीज़ आपके परफेक्ट कंट्रोल में है खुदावन, उनके दिमाग को ठीक करें, तमाम दुष्ट आत्मा को दूर करें खुदावन, और बड़ी अच्छी खबरों के साथ प्रभु हम अच्छी खबरें सुन सकें, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन वायलट टाइटस के लिए खुदावन, जिनको लेफ्ट अंगूठे में बहुत दर्द है खुदावन प्रभु, उनको गाउट हो गया खुदावन, उनके प्रभु पूरे पैर में पंजे में प्रभु बहुत स्वेलिंग है खुदावन, आप तो चंगा करने वाले हैं खुदावन। ओ खुदावन इससे पहले हम आपसे मांगे प्रभु, आप जानते हैं मैं क्या जरूरत है खुदावन, और आपने दे दिए खुदावन, आपने कहा जब दो जन किसी एक बात पर सहमत होते उनके लिए हो जाती है खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई आकाश के लिए खुदावन, जो चंद्रावल में रहते हैं खुदावन, वो खाना खाते हैं उनका खाना नहीं पचता है प्रभु, आप उनको रहम करें खुदावन, प्रभु आप उनकी तबीयत को बिल्कुल ठीक करें खुदावन, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है खुदावन, वो खाना पच सके खुदावन, उनको ताकत दें खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर ज्योति के लिए, भाई गौरव वजीराबाद उनकी पत्नी के लिए, इनको कमर में और पैरों में बहुत दर्द है खुदावन, आप पूरी तरह हील करें खुदावन, चंगा करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन बेटी ग्रेस के लिए खुदावन, जिसको कोल्ड है खुदावन, ठीक से खाना नहीं खा रही प्रभु, आप उसको पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन कविता के हस्बैंड भाई संतोष के लिए खुदावन, जिन्होंने बहुत साल पहले प्रभु आपके नाम में बपतिस्मा लिया, आपके साथ निकल के आए खुदावन, आप प्रभु इस वक्त प्रभु पिछड़ गए हैं खुदावन, आप उनको प्रभु रिस्टोर करें खुदावन, समझ को प्रभु फेरें खुदावन, ओ लॉर्ड प्रभु आपके चरणों में आ सकें खुदावन, आप रहम करें, मजबूर करें खुदावन, आपको समझ सकें खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदा। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु उनकी बहन सिस्टर सविता, उनके बच्चों के लिए, अक्षित के लिए, विशेष के लिए, अनुज के लिए खुदावन, ओ खुदावन बच्चों को आप रिस्टोर करें खुदावन, कैसे आपने प्रभु
सिस्टर हैटी राइट के बच्चों को प्रभु उद्धार दिया, आप उनको सल्वेशन दे खुदावन, इनकी प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से प्रभु। और जो हमारे भाई प्रभु प्रभु वैक्सलाइड हालत में है, भाई दीपक खुदावन, आप रहम करें, उनको समझ दें खुदावन, इस मैसेज के अलावा कहीं जिंदगी नहीं है, ओ खुदावन अपने टाइम को कहीं और वेस्ट ना करें खुदावन, इनकी प्रार्थना करते हैं भाई करण पाल के बेटे नितिन के लिए खुदावन, ओ प्रभु आप उनको भी बहाल करें खुदावन, रिस्टोर करें खुदावन, वापस भवन में फिर के आए खुदावन, आप ऐसा रहम करें प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं भाई साइलस पॉल के लिए खुदावन, जिनको लूज मोशंस हैं, ब्लिस्टर्स हैं खुदावन, आप उन्हें पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदावन, आपका क्या कान प्रभु उन प्रार्थनाओं की तरफ लगे रहते हैं खुदावन, ओ लॉर्ड हमें मालूम है, आप उसका जवाब देते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सत्यवती के लिए जो कि हापुड़ में है प्रभु, उनको चेस्ट पेन है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है प्रभु, बड़ी घबराहट रहती है खुदावन, आप उनको पूरी तरह हील करें, चंगाई दें खुदावन। भाई किरण पाल के लिए खुदावन, जिनके सर में दर्द है प्रभु, जुकाम है खुदावन, आप भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। भाई राकेश के लिए जो गाजियाबाद में खुदावन, उनको चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है खुदावन, बुढ़ापा है खुदावन, आप स्ट्रेंथन करें खुदावन, ओ प्रभु ताकत दें खुदावन। बहन रीना सिंह के लिए खुदावन, जिनके पेट में दर्द है खुदावन, किडनी के मारे किडनी स्टोन के मारे खुदावन, आप बहन के स्टोन को बिल्कुल दूर कर दें, निकाल दें खुदावन, और पूरी तरह शिफा दें खुदावन, तमाम दर्द को ठीक करें खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता के लिए जो गाजियाबाद में खुदावन, उनके पैरों में दर्द है खुदावन, उनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल है खुदावन, आप उनको पूरी तरह चंगाई दें। विनती प्रार्थना करते हैं भाई गौरव के लिए जो गाजियाबाद के खुदावन, उनके स्पाइन में प्रभु दर्द है खुदावन, वो पूरी तरह शिफा दें खुदावन, चंगा करें खुदावन। बहन रेखा के लिए जो मेरठ के खुदावन, उनके कमर में दर्द है खुदावन, आप चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई अशोक के लिए खुदावन, ओ खुदावन कैसे आपके प्रति सिंसियर हैं खुदावन, आपके चरणों में आते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप भाई के पैरों को बिल्कुल ठीक करें खुदावन, आप चंगा करने वाले खुदावन हैं खुदावन, ओ तमाम पैरों में जो चलने में दिक्कत होती है बिल्कुल जाती रहे खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई फिलिप की पत्नी सिस्टर अंजना के लिए खुदावन, ओ लॉर्ड जबकि डॉक्टर ने कहा है कि इनका लीवर बड़ा खराब होता चला जा रहा है, बड़ी खराब कंडीशन है खुदावन, आप रहम करें खुदावन, ये तो डॉक्टर कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदावन है, ओ लॉर्ड अनुग्रह करें, बहन के तमाम लीवर को बिल्कुल ठीक करें खुदावन, ओ प्रभु सिर्फ प्रभु शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई दें, पूरा परिवार रिस्टोर हो सके खुदावन, बचाया जा सके, आप ऐसा रहम करें खुदावन, ओ आप ये तो आपके तरीके हैं खुदावन, आप प्रभु काम करते हैं, आप रहम करें प्रभु, इस परिवार को बचा लें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई रमेश चंद के लिए खुदावन, प्रभु जिनको किडनी में स्टोन के मारे दर्द है खुदावन, आप उनको पूरी तरह चंगाई दें खुदावन, आपके बीच में आए हैं खुदावन, आपने उनको चंगाई दे दी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन संगीता के लिए खुदावन, जो भाई बाबूलाल की बेटी है खुदावन, भवाना से प्रभु उनका सिस्ट का ऑपरेशन है कल, प्रभु आप रहम करें, आप प्रभु ऑपरेट करें खुदावन, आप तो वो ऑपरेट कर ऑपरेशन करते हैं खुदावन जिसमें बिना चीरा के बिना खून बहाए खुदावन, कैसे आपने प्रभु आदम का वो ऑपरेशन करा खुदावन, ओ प्रभु गहरी नींद में सुला दिया, पसीने निकाली, हवा को बना दिया, अब वही खुदावन है प्रभु, बहन का पूरी तरह बढ़िया प्रभु ऑपरेशन करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं जबकि भाई उबेद ने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है खुदावन, भाई इमैनुअल जिनको हार्ट अटैक पड़ा प्रभु आंध्रा में खुदावन, आप रहम करें, जबकि कल उनका ऑपरेशन है खुदावन, आप प्रभु वहाँ पर हों खुदावन, तमाम डॉक्टर्स में दवाइयों में तमाम इंस्ट्रूमेंट में आप काम करें खुदावन, भाई का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो खुदावन, ओ प्रभु और आपके नाम की तारीफ हो खुदावन, और प्रभु भाई हील हो सके, ऐसा फसल करें। विनती प्रार्थना करते हैं भाई जैनेन्द्र के लिए जो जसपुर छत्तीसगढ़ में खुदावन, जिनके गले में सिस्ट है खुदावन, जिनका ऑपरेशन चल रहा है खुदावन, आप उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आपने जो ऑपरेशन करा वो प्रभु हमेशा सक्सेस ही रहा है खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन, भाई को स्पीडी रिकवरी दें खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना बड़ा प्रार्थना करते हैं जबकि यहाँ पे प्रभु और भी भाई लोग हैं खुदावन, जिनके अपने मन में प्रार्थना है खुदावन, आप उनकी प्रार्थना को सुनो खुदावन, जो किसी परेशानी में उनकी परेशानी को दूर करो, जो बीमार है खुदावन उनको चंगाई दें खुदावन, जो प्रभु बेरोजगार उनको रोजगार दें खुदावन, जिनको फैमिली में उनको प्रभु सेफ कन्फाइनमेंट दें खुदावन, जिनको प्रभु प्रभु किसी चीज़ की जरूरत है आप प्रोवाइडर हैं खुदावन, आप ऐसा रहम करें। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारे मेहमान सारा इज्जत सारा धन्यवाद देते हुए प्रभु छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हमारे पास करीब आधा घंटा आएगा, पहले भाइयों को मौका है छोटी छोटी प्रार्थना करें ताकि सबको मौका मिल सके, पहले भाई लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। Thank you.
Amen. Such a Lord. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Such a Lord. Hallelujah. Amen. Such a Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Mercy, Lord. Amen. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Such a... Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Such baat. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Amen, Lord. Amen.
Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Such a Lord. Amen. Amen. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, amen. Yes, Lord. Amen. Amen, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Mercy, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. 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 Mercy, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Amen. Amen, Lord. Amen.
आगामी मीटिंग को खुदा सक्सेसफुल करे मेरे प्रभु, आमेन। आपका आत्मा बल से खुदा उनकी अगुवाई करे मेरे प्रभु, जो लाइट यहाँ है खुदावन वो लाइट हमेशा, आमेन। क्योंकि वो वाइट होर्स राइडर यही है मेरे प्रभु, ओ खुदावन सब उसको पहचानने पाए प्रभु, आमेन। खुदावन आप ही राजाओं के राजा प्रभु के, आमेन। आप ही सारे धन सारे भक्ति सारे सारे प्रेम सारे, आमेन। खुदावन सारी ताकत खुदावन, आमेन। यस लॉर्ड, खुदावन इस विश्वास के साथ आपने खुदा मेरी प्रार्थना को सुन लिया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके बेटे उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, सुनो ग्रैंड करें, आमीन। धन्यवाद देता हूं बाबा स्वामी प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत-बहुत, आमीन। आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Mercy, Lord. Mercy, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen, amen. Yes, Lord. Amen. बहनों के लिए मौका है, एक एक करके कोई एक बहन करे, एक बहन दुआ करे, कोई एक बहन दुआ करे, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन लॉर्ड,
थैंक यू लॉर्ड, आमेन। आमेन। Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord.
थैंक यू जीसस। आमेन। यस लॉर्ड। Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. आमीन लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Amen. 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 Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. Mercy, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, Lord.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमेन, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, 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 यस लॉर्ड, आमेन, 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 यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, 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 थैंक यू लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि आप ये सारे आदर, सारे महिमा, सारे इज्जत, सारे धन्यवाद के योग्य हैं खुदावंद, आपके बाहर लोग हैं फिर आपके पास आते हैं, सच में खुदावंद, ये टोकन प्रभु, ये आप बाहर लहू खुदावंद, ओ खुदावंद आपने कहा मैं इस लहू को देखूंगा, इस टोकन को देखूंगा और लांग जाऊंगा खुदावंद, ओ प्रभु आज वो टोकन आपने हमें मुहैया करा खुदावंद, आप प्रोवाइडर हैं खुदावंद, ओ हम कहाँ से ला सकते थे, हमारे पास कुछ नहीं था, आप खुद उतर के आ गए, आपने खुद हमारे लिए अपनी जान दी खुदावंद, अपने प्रभु लहू से हमें खरीदा खुदावंद, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, ओ लॉर्ड एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जबकि आप हमारे बीच में हैं खुदावंद, अपने पास सफाई के लिए उनको बहुत आशीष बरकत दें खुदावंद, प्रभु माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद, पूरे परिवार के साथ हो, बहन सारा को, प्रभु अर्पिता, बुआज, तिमोथी, सबको बड़ी आशीष बरकत दें, प्रार्थना करते हैं भाई निश्चल उनके परिवार के लिए, भाई राजीव चंद्र उनके परिवार के लिए, बड़ी आशीर्वाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने जिस भाई टाइटस के लिए खुदावंद,
आपने प्रभु बीच में एक योद्धा रखा खुदावन। हमें मालूम है खुदावन मूसा 120 साल का था, उसका पौरुष नहीं घटा, उसकी आंखों की रोशनी नहीं कम हुई। अब वही खुदावन है खुदावन, भाई को और स्ट्रेंथन करें खुदावन। ओ आपके लिए पोस्ट अपने पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर खड़े रहते हैं खुदावन, प्रभु बहुत ब्लेस करें खुदावन, अपने रेवलेशन से भरें, अपने पवित्रात्मा से भरें। ओ खुदावन रहम करें बहन वायलेटाइटिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनके तकलीफ है खुदावन आपने चंगाई कर दी, दे दिए खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं अपने तमाम प्रचारक भाइयों के लिए खुदावन, बड़ी आशी बरकत है, जगह जगह जाते हैं, अपने घरों को छोड़ते हैं प्रभु, प्रभु दुख उठाते हैं खुदावन, उनको बहुत आशी बरकत है। जो काली भीड़ प्रभु रुकी हुई है प्रभु, आपके गले में आ सके, फसल करे खुदावन। विनती प्रार्थना करते बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमारे बच्चों को प्रभु अच्छे अनुभव से पास करा खुदावन, या आपका अनुग्रह खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेई का इम्तिहान दिया खुदावन, नीट का एग्ज़ाम दिया खुदावन, अभी भी हमारी नज़रें आपकी तरफ हैं और हमारे लिए अच्छा ही करेंगे खुदावन। आपने उनको अच्छे पेपर करने का फजल बख्शा, अच्छा रिजल्ट दें खुदावन, आपने उन्हें टेल नहीं बनाया, आपने उनको हेड बनाया खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। ओ लॉर्ड विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने इन कलीसिया के लिए, अपने इन भाई बहनों के लिए जो यहाँ आए हैं खुदावन, बहुत आशी बरकत दे, किसी के मन में कोई मन की मुराद है खुदावन अब उनको पूरा करें, जो बेरोजगार उनको रोजगार से लगाएं, जिनके पास घर नहीं उनको घर दें, जिनके पास बच्चे इनको बच्चे, जिनकी शादी इनको शादी का इंतजाम करें खुदावन, आपके मैसेज में आगे बढ़ सकें प्रभु, आपको पकड़ पाएं खुदावन। ओ खुदावन ऐसे अनुग्रह कर रखें, प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जबकि प्रभु आप हमारे बीच में आए हुए हैं खुदावन, कैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, बार बार बता रहे हैं खुदावन। ओ खुदावन उन बातों को हम पकड़ सकें, कैसे आप चाहते हैं हम रैप्चर के लिए तैयार हो पाएं खुदावन। ओ लॉर्ड कैसे प्रभु, कैसे भाई बता रहे थे कि इन बातों के बाद यूहन्ना से कहा गया इधर ऊपर आ जा, ओ प्रभु वो यूहन्ना कोई और नहीं बल्कि आपकी दुल्हन है खुदावन, और आत्मा में यूहन्ना आ गया खुदावन। ओ लॉर्ड वो पवित्र आत्मा प्रभु बहुत ऐसे अपने दुल्हन को उंडेल दें खुदावन, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है खुदावन, हमने अपने आप को पाया हम खाली हैं खुदावन, हमें जहाँ होना चाहिए नहीं है खुदावन, हमारे अंदर ऐसी भूख नहीं है खुदावन, हमारी प्रभु जैसे प्रभु डेस्परेशन होना चाहिए नहीं है खुदावन, वो बोझ नहीं है खुदावन, सच है खुदावन हमारे अंदर वो बोझ भरे हैं खुदावन, हमारे अंदर वो प्रभु आत्मा प्रभु नए सिरे से क्रिएट कर दें खुदावन, वो पवित्र आत्मा से भरें खुदावन, हम देखने लगे खुदावन। ओ खुदावन कैसे आप बीच में आते हैं खुदावन, 2011 में खुदावन अक्टूबर में प्रभु आप उतर के आ गए खुदावन, अपने आप को विंडिकेट करा, मैं तुम्हारे साथ हूँ खुदावन। ओ खुदावन बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं, एक बार फिर हदरक में होते हुए खुदावन आप फिर हमारे बीच में 14 अप्रैल को आ गए खुदावन, फिर आपने बताया मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ खुदावन। ओ लॉर्ड होने दे खुदावन, हम आपके इस प्रभु विजिटेशन को पकड़ पाए, समझ पाए खुदावन, हमारे हृदय प्रभु प्रभु आपकी आमद को पहचान सकें खुदावन, हमारे हृदय टूट सकें खुदावन, हम प्रभु आपको प्यार कर सकें, हम आपको पकड़ पाएं खुदावन। लॉर्ड प्रभु हमें मालूम है खुदावन इंटेलेक्चुअली तो हम प्रभु आगे बढ़ जाते हैं खुदावन, जैसे हमें आपके साथ चलना चाहिए नहीं चल पाते खुदावन, दुनिया की बातों में फंस जाते हैं खुदावन, मोबाइल और सब काम धंधों में प्रभु लग जाते हैं खुदावन, प्रभु हम इनसे अलग करें खुदावन, हम इनमें नहीं जाना चाहते, हम इनमें नहीं रहना चाहते खुदावन, हम आपके साथ रहना चाहते हैं खुदावन। ओ खुदावन अगर आप ही अनुग्रह नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा खुदावन, बहुत ऐसे खुदावन वो प्रभु पवित्र आत्मा की सर्ज प्रभु अपने बच्चों पर उंडेल दें खुदावन, हम यहाँ से खाली ना जाएं खुदावन, हम भर के जाएं खुदावन। ओ खुदावन आप अनुग्रह करें खुदावन, विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह प्रभु, कैसे आप बता रहे हैं आपने हमारे लिए प्रभु कैसे पैराडॉक्स करा खुदावन, हम पैराडॉक्स हैं खुदावन, हमने कोई अच्छाई नहीं करी खुदावन, कोई भला नहीं करा, कोई अच्छी बात नहीं करी खुदावन, फिर भी आपने हम में से पता नहीं क्या देखा खुदावन, हमें प्रभु उस गंदगी से निकाल के प्रभु चट्टान पर बैठा दिया खुदावन, अपने रेवलेशन दिया खुदावन, अपनी समझ दी खुदावन, मैसेज दिया खुदावन, प्रभु पवित्र आत्मा से भरा खुदावन, नबी को हमारे बीच में भेजा है, एक अच्छी सेवकाई जो प्रभु हमारे युग में हमारे बीच में आई खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ आप बड़ी आशीष बरकत दें खुदावन, ओ प्रभु प्रभु झुंड को प्रभु इस ग्रुप को खुदावन जिन्होंने आपके लिए प्रभु प्रभु फोरम तैयार करा ब्लेस करें खुदावन, इनकी प्रार्थना करते हैं खुदावन, मेरे परिवार पर बड़ा रहम करें खुदावन, ज़रूरतों को पूरा करें, लहू बना कर रखें खुदावन, उन्हें अपने इस्तेमाल करें खुदावन। प्रभु सारा आदर सारे महिमा सारे इज्जत सारा धन्यवाद आपको देते हुए आपका अनुग्रह मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। मैं टाइटस भाई को बुलाऊँगा।
प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वो आपने हमारी सारी गलतियों को, सारे अधर्म को, सारे पापों को, सारे अपराधों को आपने क्षमा किया है प्रभु जी। हम में से हर एक को आपने पवित्र किया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमारे आप ऐसे पापा हैं प्रभु जी, वो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु यहाँ उतर आए प्रभु जी। और आपने हर एक प्रार्थना का जवाब दिया है प्रभु जी। जो जो प्रार्थना की गई है प्रभु जी, उसका जवाब भी आपने दे दिया है प्रभु जी। उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु जी। ओ हमारे सारे बीमार आपने चंगा कर दिए हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, एक बार और अपने पास्टर भाई को और भाइयों को, बहनों को जो वहाँ पर गए हैं, वो खुदा आपके सन्मुख उठाता हूँ। सेफली सेफ जर्नी दे के हमारे बीच में लेकर के आए। आगे के दिनों में प्रभु जी हमारे पास्टर भाई के जो प्रोग्राम है पंजाब में जाना है 20 से 22 तक प्रभु जी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रभु 27 से 1 तारीख तक प्रभु जी, आप भाई के साथ रहें प्रभु। ओ खुदा भाव, शरीर तो कमज़ोर हो सकता है, आत्मा मुस्तैद है प्रभु जी। भाई कैसे आपके लिए खड़े होते हैं प्रभु जी और भागते रहते हैं जगह पर जाके कि कैसे लोगों को आपका समाचार दे सके, कैसे आपका सुसमाचार दे सके। ओ भाई के आप माइटी इस्तेमाल करें, अपने बड़े बड़े भेदों को ओ खुदा भाव आप खोलें प्रभु जी। ओ खुदा भाव की वो दुल्हन का हिस्सा प्रभु जी जो हिंदुस्तान में पाया जाता है प्रभु जी, भाई की सेवकाई के द्वारा तैयार हो सके प्रभु जी और आपसे मिलने के लिए तैयार हो सके और रैप्चर में जाने पाए। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपने कहा देख मैं शीघ्र आता हूँ प्रभु जी। हम भी कहते हैं प्रभु जी आप आइए प्रभु जी। ओ खुदा बाप हम तैयार हैं प्रभु जी। ओ आपकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है प्रभु जी आपसे मिलने के लिए। आप जल्द से आइए प्रभु जी, हमें इस दुख भरे संसार से लेकर के प्रभु जी अपने साथ लेकर के चले जाइए प्रभु, क्योंकि आपने कहा था प्रभु जी जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आपकी इच्छा यही है प्रभु जी। हम हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोटे बेंजामिन की सुधी लीजिए प्रभु। ओ खुदा बाप उसे सारी मुसीबतों से तकलीफ से आप बचाइए प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप उसकी सुधि लीजिए, उनकी वो फिर है प्रभु जी। ओ खुदा बाप जिससे हमारा यहाँ से जाना हो सके प्रभु जी। वो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में अपने आप को जीवित प्रकट करते हैं प्रभु जी, वो पिलर ऑफ फायर के द्वारा प्रभु जी, वो क्लाउड के द्वारा प्रभु जी, ओ खुदा बाप वो सोर्ट के द्वारा प्रभु जी। आप बताते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, ये मैसेज सच्चा है प्रभु जी। ओ खुदा बाप एक सेवकाई आपने जो रखी है प्रभु जी, ओ खुदा बाप वो उर्रीम थुम्मीम चमकते हैं प्रभु जी, उसमें रोशनी दिखाई देती है, ये मैसेज सच्चा है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई भाई यहाँ पे आए सबको बड़ी बरकत दीजिए प्रभु जी, सबको बड़ी आशीष दीजिए। विमल भाई के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दे दीजिए जिन्होंने अपना हाथ बताया प्रभु जी आज की मीटिंग का इंतजाम करने के लिए। प्रभु जी बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे बच्चों को अच्छी सफलता दी है प्रभु जी। वो सच है प्रभु जी, बढ़ती ना पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, आप न्यायी हैं प्रभु जी। एक को घटाते दूसरे को बढ़ाते हैं। वो खुदा आप हर एक बच्चे के साथ रहिए प्रभु जी। जो जो इनकी मुरादें हैं प्रभु जी आप उसे पूरा करिए प्रभु जी और सेटलमेंट करिए। दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है प्रभु जी, आप हमारे बच्चों को आगे रखें प्रभु जी। आपने खुद कहा है प्रभु जी, वचन में खुद कहा है क्या हमारे बच्चे कभी टेल नहीं होंगे, हमेशा हेड रहेंगे प्रभु जी। इन्हें हेड बना करके रखिए प्रभु जी, अच्छी सफलता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। एक बार और आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आज रात को आपका आना हो प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हम तैयार पाए जा सकें प्रभु जी और आपके साथ मिल सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें अजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमेन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। नीचे